साउथ की फिल्मों में काम कर चुके रामपुत ने नहीं अकंडा जैसी मूवी को डायरेक्ट करने वाले बोयपति शिनू के साथ में स्कंदा इस मूवी में काम कर चुके। डायरेक्टर बोयपति शिनू मास ऑडियंस को पसंद आए ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। और अकंडा जैसी बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रह चुकी फिल्म के बाद में बोयपति शिनू ने अपना अगला बीड़ू चुन लिया है। वैसे भी आयुष्मान शंकर जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद में राम पोतिनिनी का मार्केट में दबदबा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठ कर आता है कि ये कोलेब्रेशन सच में काम कर गया है कि नहीं। अब देखते हैं इस फिल्म की कहानी की मूल कल्पना क्या है। जब दो स्टेट के सीएम जो एक दूसरे को दोस्त की नज़र से देखा करते थे उनके बेटियों के किडनैपिंग से परेशान हो जाते हैं। राम ने जो इन लड़कियों को किडनैप किया है इनके पीछे का जबरदस्त रीजन जेल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस अभागी इंसान का नाम था रुद्रगति रामकृष्णन राजू। स्कंदा इस मूवी की मूल कहानी मुख्य रूप से राम ने जो किडनैपिंग की है और उसके जो दो स्टेट के सीएम से तार झूलते हैं इसके ऊपर आधारित है। राम पोतिनिनी ने आयुष्मान शंकर में जो राउडी लेकिन स्मार्ट लुक अपनाया था वही और वैसा लुक स्कंदा इस मूवी में देखने को मिल रहा है। राम इस मूवी में अपने किरदार के साथ में पूरी तरह से जस्टिफाई होते हुए दिखाई देते हैं। एक्शन सीन हो या रोमांटिक सीन राम सब में मैच होते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी स्कंदा इस मूवी में ड्रामा से ज्यादा एक्शन सीन की भरमार देखने को मिल रही है। फिल्म की मुख्य हीरोइन श्रीलीला फिल्म में सिर्फ गाने के लिए दिखाई देती है और उन गानों में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत डांस किया है। सही मांजरेकर फिल्म में तो दिखाई देती है लेकिन एक गेस्ट अपीयरेंस के ऊपर उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। राजा दुगुपति श्रीकांत शरद अपने अपने किरदारों में अपना बेहतरीन दे चुके हैं। मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सफल अभिनेता अजय पुरकर भी इस फिल्म में अपना प्रभाव डालने में पूरी तरह से सफल रह चुके हैं। फिल्म में राम के ऊपर बहुत सारे स्लो मोशन के शॉट दिखाए गए हैं। स्कंदा मूवीज की सिंपल लव स्टोरी जो पूरी तरह से रिवेंज पे फोकस करती है। राइमिंग बेस्ड डायलॉग पूरी तरह से मीम मटेरियल लग रहे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही लाउड है। फिल्म का रन टाइम लगभग 167 मिनट का है। फिल्म का फर्स्ट हाफ फनी है, एंटरटेनिंग है। कहानी को पूरी तरह से सेट होने में वो अपनी तरह से पूरा टाइम लेते हैं। प्री इंटरवल वाले सीन या क्लाइमैक्स वाले सीन देखने के बाद में ऐसा जरूर लगता है कि वो स्कंदा का सीक्वल जरूर निकालेंगे। स्कंदा ये मूवी कोई लॉजिक लगाकर देखने वाली मूवी नहीं है लेकिन आप अगर राम के फैन हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। फिल्म के लिए एक्शन सीन ही ट्रम्प कार्ड का काम करते हैं। और फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो पहले तो बोयपति की प्री प्रिडिक्टेबल स्टोरी, दूसरी नो लॉजिक। फिल्म के सॉन्ग्स ने तो कान के पर्दे फाड़ दिए थे और बचा कुचा फिल्म का सेकंड हाफ पूरी तरह से बोर कर देता है। फाइनली मैं बस यही कहना चाहूंगा ये पूरी तरह से बोयपति शिनू स्टाइल की फिल्म है। बहुत सारी इलॉजिकल बातें दिखाती है। बस इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को घर पर रखना पड़ेगा। स्कंदा ये मूवी आपने देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।